के बाद उसको बहुत आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद के साथ साथ जो है उसको एक 500 रुपये का नोट भी पकड़ाए, ये तुम्हारे मिठाई के लिए है, बहुत आगे बढ़ो। और उसके दूसरे दिन का ये घटना, तो जयदीप का इंतज़ार करते राज्य डॉक्टर जयदीप का इंतजार करते करते मैं देखा कि वो लेट हो रहे हैं, तो मैं गया भीतर। मैं जाके जब देखा कि उनका जो शरीर है वो ऐसे पड़ा हुआ है, अब इंतजार हो रहा है कि क्या बात है, तो मैंने चारों तरफ उनका हाथ नर्स के लिए नर्स खोजने के लिए किया कि उनका नर्स जल तो नहीं रहा है, चल रहा है नहीं रह रहा है। मैंने देखा कि शरीर अभी गर्म है, करेंगे पूरी तरह से उनके घर में। अरे भाई अच्छा नहीं लगा, वहाँ का माहौल ठीक नहीं था, या सबके सब निराश या मैंने मन खराब करके बैठे थे, विषण चित्त जिसको कहते हैं, ऐसे बैठे थे, अब कभी नहीं। मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि वैसा नारी हम लोगों के बीच में से जो चली गई, उनका ये जगह पूरा करना बड़ा कठिन है। हो सकता है शायद हम लोग अपने ज़िंदगी में एक बोराक वैली में ऐसा नारी के जगह शायद दूसरा कोई पूरा कर पाएगा या नहीं। दो चार बार मिला था, जब भी उनके घर गया एकदम माता की तरह वो बहुत ही स्नेह देती थी, और बिना चाय पिए वो घर से जाने नहीं देती, और घर में जब भी दे अशोक वर्मा सर जब घर में रहते थे उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, बिना बोले चाय नाश्ता सब कुछ आ जाता था, और जब घर से निकलते थे तो बोलते थे फिर आना है, फिर आइए, भूल मत जाइए, फिर आइए। तो उनका जो स्नेह था वो काफ़ी मिला और बहुत अच्छा लगता था। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने में और महिलाओं को मतलब कि विकास के लिए हमेशा महिलाओं को प्रेरित करती रहती थी, क्योंकि कई कार्यक्रमों मैंने देखा भी था, जब कार्यक्रम हुआ था उसमें हमेशा वो महिलाओं को प्रेरित करती रहती थी, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए हमेशा जागरूक करती रहती थी। ये उनका जो था बहुत अच्छा लगता था, उनके काफ़ी में प्रेरित भी था, और किताबें उनकी कुछ मैंने अशोक वर्मा सर दिए थे पढ़ने के लिए, तो वो भी मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा था। बस इतना ही बोलूँगा। कैसा पल बिताया गया था, क्या बिताया गया, कौन सा टाइम में आप लोगों ने क्या उनके साथ रहा। सचिव का नाम अन्नपूर्णा वर्मा, अन्नपूर्णा देवी का वो रूप थी, बहुत विषय पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, उस पर अगर जाएंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। मैं इस चीज़ पे बहुत खुश लगा कि हमारे जो मित्र संजीव राय जी ने तो थोड़ा महत्व दिया है। यहाँ बैठे सोच रहा था कि वो दिगंबर आत्मा जो है उसको कब सुख मिलेगा, कैसे खुशी मिल सकती है। उनका खुशी उसी में हो सकता है कि उनका जो अधूरा काम है उनको हम किसी तरह आगे बढ़ाएं, उनको उनकी जो भावना थी सबके साथ चलना, सबको लेके चलना, समाज हमारे अतिथिगढ़ और बस्ती भैया प्रधानी की सभा में सब लोगों ने, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और जो लोग भी हैं बराक घाटी में उनके उनसे जिनका संपर्क था वो मानस साक्षात जो है ममता की प्रतिमूर्ति थी, सबके साथ उनका जो है एक कहते हैं ना निजी संबंध था, पर्सनल रिलेशन, सबके साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि बाबू जी ने बताया, इन्होंने बताया, वो बिंदु दीदी ने बताया, माने हर हर व्यक्ति के पास अपना एक कुछ खासियत की जो याद किया जाएगा हमेशा, खासकर जो हिंदी भाषी समाज है उनके मीठे बोल के लिए हम उनको हमेशा याद करेंगे, उनके अच्छे विचार के लिए हम हमेशा उनको याद करेंगे, उनके सच्चे तौर से संपर्क रखने के लिए हम हमेशा उनको याद करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में औरों को सहयोग करने के लिए उनको हम याद करेंगे, और समाज में महिला आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए उनको हम याद करेंगे। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, वो जब शिक्षिका थी नेहरू स्कूल की, उस जमाने में हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने जाया करते थे, कभी अंपायरिंग करने जाया करते थे, शाम को जब आते थे हम लोग तो एक ही बस में आते थे, तो आगे सदर का जब घर सरप्राइज देवे खातिर
अब किसको पता था कि वो सचमुच का वो सरप्राइज लेकर आए हैं कि धीरे से समाज से वो सबके लिए सरप्राइज बन जाएंगे। तो हमने अरे बाबू बहुत अच्छा लगा मिलके, तो अच्छा ठीक है आई हो, हमने हाँ हाँ जरूर है आ गई मैं। कुछ दिन हम लोग का इन्विटेशन था, निकल गए इसके, फिर गए शादी वादी अटेंड किए, फिर बाद वाले दिन नहीं गए, दो तीन दिन बाद कैसे चाची का खबर ले लिया कैसा है, नहीं ठीक है। जिस दिन उनका डेथ हुआ उसके पहली वाली रात भाभी वो मेरी भाई की मिसेज आए, बोली चलिए ना थोड़ा चाची से मिल के आते हैं, उनको बोलेंगे थोड़ा हमारे घर आने के लिए। बोले हाँ चलो मैं भी जाऊँगी, उनसे मिली नहीं हूँ, गुस्सा भी कर रही हूँ। जाके देख रहे हैं बिस्तर पे एकदम लेटी हुई हैं, बोले अरे चाची ही कहोगे, बोले नहीं आज फिर सुबह वो बाथरूम में गई, बोले अरे बाप ऊपर से इंजेक्शन भी ली, तो बॉडी वॉडी देखने लगा हूँ, बोले अरे नहीं लगता है इनका शुगर उगर डाउन, चाचा से बोले कि शुगर उगर डाउन हो गया लगता है, बोले नहीं डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया, तो बात रखिए।